मेरा नाम राहुल है। कुछ समय से हम एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम स्पेसिफिक फील्ड इफेक्ट है। आज हम जो इसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसमें हम सेक्शन 14A अपॉइंटमेंट जहाँ पर पावर ऑफ को टू एंगेज एक्सपर्ट पर हम बात करेंगे। ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम जनरली सिविल मैटर में देखते हैं जहाँ कोर्ट को अगर आवश्यकता पड़ती है किसी मैटर में जहाँ किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जैसे हम चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसकी वैल्यूएशन करनी है या मान लीजिए उसका पार्टीशन करनी है कितना क्या, तो आप कोर्ट तो उस समय पहुंच नहीं सकती उधर पे क्योंकि और भी मैटर होते हैं। तो इसी के लिए कोर्ट क्या है, असिस्ट करने के लिए अपने जो भी मैटर लगा है उसको असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट एक टाइप से जो जैसा हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 75 में कमीशन जैसा वैसे ही मिलता जुलता है। और जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन में हम सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट में भी बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार का है कि कुछ स्पेशल जो चीजें हैं जहाँ पे कोर्ट को आवश्यकता पड़ती है किसी असेसमेंट की किसी मेजरमेंट की या अकाउंट से रिलेटेड या कुछ भी, तो वहां पे कोर्ट क्या ले सकती है, एक्सपर्ट की सहायता ले सकती है। अब देखिए इसमें जो सेक्शन 14A है पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, ये कब ऐड हुआ था, ये 2000 जो 18 का अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू ये सेक्शन लाया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसके सेक्शन पे बात करें तो ये बोलता है विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंड इन अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जैसा हमने सिविल प्रोसीजर की बात करी कि मतलब उसमें कोई भी बात रहती हुई और उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा जो इसका एक्सपर्ट है। ठीक है, इन एनी सूट अंडर द एक्ट वेयर द कोर्ट कंसीडर इट इज नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन, कोर्ट को लगता है कि उसको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है कोई स्पेसिफिक इश्यू के पे। ठीक है, जो इन्वॉल्व है किसमें, उस सूट में इन्वॉल्व है, जो इश्यू है वो किसमें इन्वॉल्व है, उस पर्टिकुलर सूट में जो कोर्ट के समक्ष लगा हुआ है। इट मे एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट इट ऑन सच इश्यू एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट। ठीक है, तो कितना चाहे तो वो एक कर सकता है या एक से ज्यादा भी एक्सपर्ट अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, और इनका क्या होगा, कोर्ट रिक्वायर करेगा इनकी अटेंडेंस। ठीक है, और जो इनको बोला जाएगा कि आप जो मैटर है जिस पे आप से मांगेंगे ये सहायता आप उस पर एनालाइज करिए और उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करिए। ठीक है, ये जो जनरल प्रोविजन बात करता है वो सबसेक्शन बात करता है। इसमें डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनका इंस्पेक्शन उनका प्रोडक्शन ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 पे जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट। अब देखिए सिविल मैटर है तो पार्टीज होती है प्लेंटिव डिफेंडेंट, तो अब क्या है, अब उसको अंदर से तो हर चीज पता पड़ नहीं जाएगी, उसके लिए हेल्प भी तो चाहिए उस एक्सपर्ट के लिए, तो पार्टीज से बोला जाएगा या पर्टिकुलर किसी एक पार्टी से बोला जाएगा कि आप उनके लिए असिस्ट करो, उनके लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कोई एक्सेस है डॉक्यूमेंट का या कोई जगह पे आपको जाना है इंस्पेक्शन के लिए वहां पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो उनके समक्ष दीजिए जिससे वो उसका एनालाइज करें। ठीक है, उसको चेक करें फिर उसके बाद वो अपनी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करें, तो ये बात जो करता है वो है सबसेक्शन 2। ठीक, तो कोर्ट उससे अपेक्षा करेगा कि आपके अगर इनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दो, किसको, एक्सपर्ट को। अब देखिए इसका सबसेक्शन 3 है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। इसमें बोला गया है कि जो इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स दी जाती है कोर्ट को वो क्या होती है, शेल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो कोर्ट का रिकॉर्ड है उसका पार्ट होता है और शेल बोला था मैंडेटरी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, द ओपिनियन और रिपोर्ट जो उनके द्वारा एक्सपर्ट द्वारा ओपिनियन दिया गया और जो उन्होंने रिपोर्ट जो उतना एनालाइज करने के बाद जो रिपोर्ट बनाई उसको क्या बोला गया कि वो शेल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द कोर्ट और द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी पार्टी। अब देखिए इसमें एक और दे रहे हैं, जहां एक्यूरेसी चाहिए होती है किसी चीज की किसी मैटर पर लिए तो हमने जनरली कोर्ट में एग्जामिनेशन की बात की जाती है, तो सामने वाली पार्टी अगर चाहती तो वो कोर्ट की परमिशन लेके उस एक्सपर्ट का क्या कर सकती है, एग्जामिनेशन भी कर सकती है। तो ये बात करता है,
ये सबसेक्शन 3, ठीक है। और जो भी उसने इंस्पेक्शन किया, जो उसमें आपके क्या ग्राउंड थे, किस बेस पे आप उस पर पहुंचे, ये सब आप एग्जामिनेशन के थ्रू एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका सबसेक्शन 4 बात करता है, एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस और एक्सपेंसेस एट द कोर्ट में विद द इट शैल बी पेबल बाय द पार्टीज। अब देखिए जो ये क्या रहता है, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऐसी कोई सेवा है नहीं है और सिविल मैटर है टफ कर, तो इधर मान लीजिए उनसे सर्विस ले रहे हैं तो भाई उनके लिए फीस, जो उनका खर्चा होगा, जो एक्सपर्ट का खर्चा होगा, वो कॉस्ट और जो भी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जितना टाइम उनको लगा वो जो कोर्ट असेसमेंट करके कि भाई इतना इनका होता है, तो वो पार्टीज से बोलेंगे कि आप क्या करिए, उनकी जो भी फीस है, कॉस्ट है या एक्सपेंसेस, ठीक है। या तो वो एक दोनों पार्टीज से बोल सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एक पार्टी से बोल सकते हैं कि आप उनका क्या कीजिए, फीस और जो भी एक्सपेंसिव उनके खर्च हुए हैं उसको वो दे, ठीक है। तो ये जो एक स्पेशल एक सेक्शन था जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था 2018 के, एक एक्सपर्ट की बात करता है। आई होप आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। इसके आगे के सेक्शन पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।